हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है पटेटो बॉल्स। ये बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी है। इसके लिए मैंने 3 आलू लिए हैं, उनको मैं अच्छे से मैश कर दूँगी। ध्यान रहे कि आलू अगर गर्म है तो उनको चम्मच से या फिर चक्कू की मदद से या मैशर से मिक्स करें। आलू मिक्स होने के बाद मैंने इसमें आधे कप के करीब कॉर्नफ्लोर मिला दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक मैंने बारीक हरी मिर्ची काट के रखी थी वो मैं मिलाऊँगी इसमें। इसी तरह से मैंने कुछ लहसुन बारीक चॉप करके रखी है वो ऐड करूँगी। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड किया है यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्का सा एक एक आधा चम्मच के करीब जीरा ऐड किया है। जीरा ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे नमक आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड किया है, आप लोग चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं। और इसमें चाहे तो आप और वेजिटेबल्स मिला सकते हैं, शिमला, गाजर, टमाटर, प्याज, ये सारी वेजिटेबल्स भी आप लोग इसमें मिला सकते हैं। बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी है। शाम को कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ खाने का मन होता है और हमें समझ में नहीं आता है चाय के साथ या कभी ऐसे भी, तो बहुत ही ईजी रेसिपी। मुश्किल से 30 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। उसके बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स दे देंगे, बिल्कुल जैसे आटे का डो लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा हो जाएगा ये। बहुत ही अच्छा बनता है ये। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चकोटी पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का आटा ले लूँगी, जिससे जो हमारे आलू हैं वो चकोटी पे चिपके नहीं बिल्कुल भी। और आलू की मैं एक लोई ले लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे आलू की लोई ले ली। इसको मैं हाथ से थोड़ा सा मिक्सअप करूँगी ताकि थोड़ा बहुत भी अगर रह गया हो कुछ तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसको ऐसे लंबा लंबा राउंड राउंड शेप दे के फैलाती जाऊँगी। हल्के हाथों से फैलाना है मुझे। ये देखिए, आप चाहें तो इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, मोटा पतला जैसा भी आपका मन हो। और जो भी आपके पास अगर शेपर हो तो आप गोल गोल रोटी जैसा बेल के भी इसको शेप दे सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे, बहुत सारे शेप दे सकते हैं। उसके बाद मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इनकी गोल गोल बॉल बना लूँगी और उसको हल्के हाथों से ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से, ये देखिए अच्छे से प्रेस कर देना है। और ये देखिए मेरे बॉल्स बन के तैयार हो गए हैं। अब इनको हम चलेंगे फ्राई करने के लिए। ये देखिए मेरा ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं यहाँ पर एक एक करके इन बॉल्स को ऐसे डाल दूँगी। कुल हल्के हाथों से ही डालें, ध्यान रखें कि दूर से ही डालें, तेल के छींटे हाथ में ना पड़ें, केयरफुली इसे फ्राई करें। तो बहुत ही इजी है और हेल्दी भी है, इसमें ज़्यादा कुछ मसाले भी ऐड नहीं है। बच्चों के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। बच्चों को ज़्यादातर जंक फूड खाने का मन करता है तो कभी कभी हम उनको घर में ऐसा संडे के दिन, वीकेंड वाले दिन बना के दे सकते हैं, जिससे वो बाहर की चीज़ें भी स्किप होंगी और उनके लिए बिल्कुल हेल्दी रहेगा और बहुत ही हाइजीन है, क्योंकि हम खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। और इनको ऐसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते जाना है, धीमी आंच में, तेज़ नहीं करना है वरना बाहर से पक जाएगा और अंदर से नहीं पकेगा। ये देखिए मेरे पोटैटो बॉल्स बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप बिना भूख के भी इसको खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग उनके लिए भी ये सब बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।